हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो वीडियो है वो है MMPC 006 पर, यानी मार्केटिंग मैनेजमेंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको MMPC के 16 असाइनमेंट दिखाने वाली हूँ, जो कि फ्री में है। यानी कि इस वीडियो की मदद से आप अपने असाइनमेंट बना सकते हैं। इसमें आपको कोई पेमेंट या कोई चार्जेस नहीं देना है, बिल्कुल फ्री में आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन दिखाया जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स, अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं या फिर बनाने वाले हैं, और साथ ही जो MBA में एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो उनके लिए भी है, और जो ले चुके हैं उनके लिए भी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको MMPC के सॉल्यूशन के साथ सब कुछ मेजर पॉइंट जो आप लोगों को नहीं पता होता वो आज मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ कैसे अपने असाइनमेंट्स को रेडी कर सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट, सॉल्यूशन के साथ साथ आपको ये भी गाइड किया जाएगा कि कैसे आपको असाइनमेंट जो आंसर होते कैसे लिखना है, किस पेन का यूज़ करना है, और साथ ही कौन सी शीट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, और साथ ही समझें कि कैसे आप अपने असाइनमेंट बना सकते हैं। बाकी अगर स्टूडेंट आप जॉब भी करते हैं, साथ ही अपने स्टडी भी कर रहे हैं, और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि आप अपने असाइनमेंट्स को रेडी कर पाएँ, तो हमारे यहाँ 16 असाइनमेंट और साथ ही हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी दोनों दी जाती है। जैसे कि अगर आपको असाइनमेंट राइटिंग में चाहिए, यानी कि लिखे हुए असाइनमेंट चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है हमारा 8130208920 पर व्हाट्सअप करें। और जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है, चाहे वो MMPC का हो यानी MA का स्टूडेंट हो या फिर BA का, अगर कोई से भी आपका सब्जेक्ट कोड है तो आप हमें मेंशन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। बाकी स्टूडेंट्स, आज की इस फ्री वीडियो में आपको पूरा आंसर दिखाया जाएगा और आंसर लिखने का तरीका समझाया जाएगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और समझें। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं मुस्कान आपको आज की वीडियो में समझाऊंगी MMPC 006। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमारा है ये MMPC 006 मार्केटिंग मैनेजमेंट। यहाँ July 2023 में जिन भी स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है उनके लिए भी है, और साथ ही जो January 2024 में एडमिशन लेने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन और आंसर दोनों दे रखे हैं। क्वेश्चन इस वीडियो में हमेशा आपको पता ही होगा, जो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको पता नहीं है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ क्वेश्चन जो होगा हमेशा रेड में होगा और देन आंसर ब्लैक में। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको हमेशा जब भी आप असाइनमेंट बनाते हैं तो आपको हमेशा ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज़ करना है, और साथ ही आपको कोई कलर शीट का या फिर कोई डिज़ाइन वाली शीट का इस्तेमाल नहीं करना। जब भी आप असाइनमेंट बनाते हैं तो हमेशा आपको सिंपल रखना है, यानी कि जितना आपका असाइनमेंट जो सिंपल होगा उतना अच्छा होगा। क्योंकि असाइनमेंट स्टूडेंट्स बहुत से लोगों को पता नहीं होता, जो असाइनमेंट के मार्क्स होते हैं ना वो एग्ज़ाम में जुड़ते हैं। इसलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप अपने असाइनमेंट को बहुत अच्छी तरीके से लिखें। बाकी स्टूडेंट्स मैं आपको आंसर दिखाती हूँ, और इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है, और साथ ही यहाँ से आप आंसर लिख कर अपना असाइनमेंट सबमिट और जमा करवा सकते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स आपको अपने वर्ड्स को भी ऐड करना है, यानी कि यहाँ से आप अगर कॉपी करते हैं अपने आंसर, मतलब कॉपी करके आंसर लिखते हैं, तो इसमें अपने वर्ड्स को भी ऐड करें। यहाँ से कॉपी करोगे तो फिर एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने कहीं ना कहीं से किया है, तो आपको अपने वर्ड्स का भी यूज़ करना है, ठीक है। बाकी हमारा क्वेश्चन नंबर बी आ चुका है।
यहाँ पर स्टूडेंट्स ये वीडियो यहाँ तक पूरा होता है। और मैं यकीन के साथ कहती हूँ, अगर आपने यहाँ से आंसर लिखे हैं अपने असाइनमेंट्स को रेडी करने के लिए, या फिर जो मैंने आपको चीज़ें बताई, जैसे गाइडलाइंस बताई कि कैसे आपको लिखना है और किस तरीके से आंसर लिखना है, किस पेन का यूज़ करना है या कौन सी शीट का इस्तेमाल करना है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में दे रखी है। बाकी इसके अलावा आप इन्हीं तरीक़ों से आप अपने असाइनमेंट बनाते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको अगर असाइनमेंट्स बाय करना है यानी पीडीएफ फॉर्म में भी चाहिए, जैसे आपको यहाँ आंसर क्लियर नहीं दिख रहा यानी ब्लर दिख रहा है, तो भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और राइटिंग फॉर्म में यानी कि लिखे हुए असाइनमेंट के लिए भी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट्स, ऐसे ही वीडियो जानने के लिए और सही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे इस चैनल माई इग्नू सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको कोई अदर चैनल या वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, इसलिए हमारे चैनल पे बने रहें। और मैं मुस्कान आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, जब तक के लिए हमारे चैनल की और वीडियोज़ और सही जानकारियाँ जानते रहें।